हेलो एवरीवन, टुडे वी विल स्टार्ट विद चैप्टर 7 सीबीएसई 11th क्लास इंग्लिश. चैप्टर इज बर्थ बाय एजे क्रॉनन. सो बिफोर दैट आई वुड लाइक टू गिव यू अ चैप्टर स्केच ऑफ दिस चैप्टर. डॉक्टर एंड्रयू मेंसन हैज जस्ट बिगिन हिज मेडिसिनल सॉरी मेडिकल प्रैक्टिस इन द स्मॉल वेल्श माइनिंग टाउन ऑफ प्लेनली. व्हेन ही रिटर्न्स फ्रॉम अ टेरेबल इवनिंग विद हिज गर्लफ्रेंड क्रिस्टीन, जोई मॉर्गन अप्रोचेस हिम टू हेल्प इन द डिलीवरी ऑफ हिज वाइफ. डॉक्टर एंड्रयू मेंसन जो है, उन्होंने शुरू करी अपनी मेडिकल प्रैक्टिस एक स्मॉल छोटे माइनिंग टाउन में, वेल्श माइनिंग टाउन में, जो कि है प्लेनली. जब वो रिटर्न कर रहे होते हैं एक खराब इवनिंग से अपनी गर्लफ्रेंड के साथ, ठीक है, क्रिस्टीन के साथ, तब उनको जोई मॉर्गन अप्रोच करता है कि भाई उसकी वाइफ की डिलीवरी में हेल्प करें. डॉक्टर एंड्रयू मेंसन हैज टू पुट इन मच लेबर इन द डिलीवरी एज द मदर रिक्वायर्स मच अटेंशन बिफोर शी इज रिवाइव. अब डॉक्टर एंड्रयू मेंसन जो है, उनको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है डिलीवरी कराने में, क्योंकि मदर जो है उसको ज्यादा टेंशन की जरूरत होती है वापस रिवाइव करने में, यानी जिंदा करने में डिलीवरी के पहले. फर्दर द बेबी वॉज नॉट ब्रीदिंग एट द बर्थ, और उसके आगे जो बच्चा पैदा होता है वो सांस नहीं ले रहा होता है. यूजिंग ऑल हिज नॉलेज एंड इंट्यूशन, डॉक्टर एंड्रयू मेंसन मेक्स मोर एफर्ट्स टू रिवाइव द चाइल्ड. अपनी नॉलेज और अपने इंट्यूशन को साथ में लेकर के डॉक्टर एंड्रयू मेंसन जो है बच्चे को वापस जिंदा करने में अपने काफी एफर्ट्स डालते हैं. आफ्टर ऑलमोस्ट हाफ एन आवर ऑफ फ्रेनेटिक एफर्ट्स ही सक्सीड्स एंड कम्स अवे विद अ सेंस ऑफ अचीवमेंट. हाफ एन आवर तक वो ये चीज करते रहते हैं, उसके बाद में वो रिवाइव कर जाता है बच्चा, और उनको काफी फील होता है अच्छा कि उन्होंने कुछ अच्छा अचीव किया है, बहुत बड़ी अचीवमेंट है ये. पहले अब इसके बारे में मैं बता देती हूँ, चार कैरेक्टर्स हैं यहाँ पे. डॉक्टर एंड्रयू मेंसन जो कि यंग मेडिकल ग्रेजुएट है, जो एक छोटे स्मॉल माइनिंग टाउन में काम कर रहा है. जो मॉर्गन एक माइनर है, डॉक्टर एंड्रयू मेंसन मैनेज करते हैं उसकी मदद करने में बर्थ और सेव्स द बेबीज लाइफ, ठीक है, ड्यू टू हिज नॉलेज एंड एफर्ट्स, जैसे कि अभी हमने पढ़ा था. जोई मॉर्गन ये एक माइनर हस्बैंड है सूजन मॉर्गन के, ठीक है, और डॉक्टर एंड्रयू मेंसन इनकी से ये मदद मांगते हैं अपनी वाइफ की डिलीवरी में, और अपने पूरा विश्वास दिखाते हैं डॉक्टर के काम में. सुजन मॉर्गन्स मदर, शी इज अ टॉल ग्रे हेयर्ड वेमेन एज 70 हु इज कंसर्न अबाउट हर डॉटर्स हैप्पीनेस. अब सुजन मॉर्गन मदर जो है वो सुजन मॉर्गन की मदर है यहाँ पर, ठीक है, उनका नाम ही इस तरीके से दिया गया है. और वो एक टॉल ग्रे हेयर्ड वेमेन है, 70 साल की हैं, और उनको अपनी बेटी की शुकी बहुत चिंता है. मिड वाइफ, शी इज पेसिमिस्टिक अबाउट द चाइल्ड सर्वाइवल एंड ही इज फाउंड टू बी नॉट ब्रीदिंग वेन बोर्न, बट स्टिल ड्यूटीफुली असिस्ट डॉक्टर एंड्रयू मेंसन इन हिज वर्क. मिडवाइफ कौन है, ये एक वर्कर है एक तरीके से, ठीक है, तो काफी पेसिमिस्टिक हैं चाइल्ड के सर्वाइवल को लेकर के, लेकिन अपनी जब वो सांस नहीं ले रहा होता तो उनको लगता है कि ये शायद जिंदा नहीं रहेगा, लेकिन डॉक्टर की पूरी मदद करती हैं, असिस्ट करती हैं उनके काम में. सो इन दिस एक्सर्प्ट फ्रॉम द सिटाडेल, एंड्रयू मेसन न्यूली आउट ऑफ द मेडिकल स्कूल हैज जस्ट बिगिन हिज मेडिकल प्रैक्टिस एज एन असिस्टेंट टू डॉक्टर एडवर्ड पेज इन द स्मॉल वेलिश माइनिंग टाउन ऑफ ब्लेनली. अब ये एक सर्प्ट है, एक एक्सट्रैक्ट है सिटाडेल से, ठीक है, जहाँ पे एंड्रयू मेसन जो है वो एक नए नए निकले हैं अपनी डॉक्टरी की पढ़ाई पूरी करके, और प्रैक्टिस कर रहे हैं डॉक्टर एडवर्ड पेज के अंडर, ठीक है, जो कि एक स्मॉल वेलिश माइनिंग टाउन ब्लेनली में है. एज ही इज रिटर्निंग फ्रॉम अ डिसअपॉइंटिंग इवनिंग विद क्रिस्टीन द गर्ल ही लव, ही इज मेट बाय जो मॉर्गन. जब वो लौट रहे होते हैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ टाइम बिता करके, जो कि काफी डिसअपॉइंटिंग इवनिंग रही है, खराब इवनिंग रही है उनकी गर्लफ्रेंड के साथ, तब इनको जोई मॉर्गन अप्रोच करता है. जो एंड हिज वाइफ हु हैव बीन मैरिड नियरली 20 ईयर्स आर एक्सपेक्टिंग देयर फर्स्ट चाइल्ड. जो 20 साल से शादीशुदा है जो और उसकी वाइफ, वो अपना पहला बच्चा जो है वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं. तो इट वॉज नियरली मिडनाइट व्हेन एंड्रयू रीच्ड ब्राइंगोवर, ही फाउंड जो मॉर्गन वेटिंग फॉर हिम, वॉकिंग अप एंड डाउन विद हिज शॉर्ट स्टेप्स बिटवीन द क्लोज सर्जरी एंड एंट्रेंस टू द हाउस. नियरली मिडनाइट हो चुकी थी, यानी आधी रात हो चुकी थी, जब एंड्रयू ब्राइंगोवर पहुंचते हैं, तब वो मिलते हैं जॉन, देखते हैं जोई मॉर्गन जो है वो उनका वेट कर रहा है और आगे पीछे चले जा रहा है, मतलब क्लोज्ड सर्जरी जो है वहां पे वो बंद पड़ी है, और उसके एंट्रेंस जो है घर की उधर वो खड़ा हुआ है, और लगातार वो कभी इधर जा रहा है कभी उधर जा रहा है, टेंशन में. एट द साइट ऑफ हिम द ब्लरी द बर्ली ड्रिलर्स फेस एक्सप्रेस रिलीफ. अब उसकी साइड देख करके एक थोड़ा सा एक ड्रिलर का जो फेस है देख करके वो उनको थोड़ा सा रिलीफ होता है, क्योंकि एकदम रात में आप पहुंचे हैं घर और आपके घर के बाहर कोई ऐसे चल रहा हो वेट कर रहा हो, तो वो आपको कहीं ना कहीं टेंस तो करेगा ही ना कि भाई ये क्या है. तो लार्ज और स्ट्रॉन्ग फेस है उसका, ठीक है, एक माइनर जो ड्रिल मशीन यूज करता है, ठीक है, उसके लिए बोला गया है. डॉक्टर आई एम ग्लैड टू सी यू, आई हैव बीन बैक एंड फॉरवर्ड हियर दिस लास्ट आवर, द मिसेस वांट्स हियर बिफोर टाइम टू. अब यहाँ पे डॉक्टर को देख करके वो बोलता है कि आप आ गए, मैं आपको देख के बहुत खुश हूँ, मैं काफी समय से यहाँ पे
चल रहा हूँ, वेट कर रहा हूँ आपका। जो मिसेस है यानी कि जो उसकी वाइफ है वो टाइम बिफोर टाइम टू, मतलब उनका टाइम जो है वो पहले, मतलब वो उनकी जो एक प्रॉपर डिलीवरी टाइम जो होता है, जो डेट होती है, उससे पहले वो उनको पेन शुरू हो गया है। एंड्रू अब्रप्टली रिकॉल फ्रॉम द कंटेम्पलेशन ऑफ हिज ओन अफेयर्स टोल्ड मॉर्गन टू वेट। अब एंड्रयू जो है वो बेसिकली क्या है, वो अपने अपना जो उसका एक्सपीरियंस रहा है अपनी गर्लफ्रेंड के साथ में, उसको लेकर के सोच रहा है, ठीक है, और फिर उसको बोलता है वेट करो। ही वेंट इन टू द हाउस फॉर हिज बैग, देन टुगेदर दे सेट आउट फॉर नंबर 12 ब्लियाना टेरेस। अब यहाँ पे पूरा आपको एड्रेस दे रखा है कि वो अंदर घर में जाता है, अपना बैग उठाता है, और फिर उसके बाद नंबर 12 ब्लियाना टेरेस पर जाने के लिए निकलते हैं। द नाइट एयर वॉज सो कूल एंड डीप विथ क्वाइट मिस्ट्री। अब जो रात की हवा है वो बहुत ठंडी है और वहां पे काफी एक गहरा सन्नाटा है। यूजुअली सो पर्सपेक्टिव एंड्रयू नाउ फेल्ट डल एंड लिस्टलेस। अब यूजुअली जो बहुत ज्यादा एक्टिव रहता है एंड्रयू, अब वो बहुत डल फील कर रहा है और लिस्टलेस फील कर रहा है। ही हैड नो प्रीमोनिशन दैट दिस नाइट कॉल वुड प्रूव अनयूजुअल, स्टिल लेस दैट इट वुड इन्फ्लुएंस हिज होल फ्यूचर इन ब्लेनली। उसको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि ये जो नाइट कॉल उसको मिला है या इसको जो ये जाना पड़ रहा है किसी को वो करने, वो आगे उसके जीवन में क्या चेंजेस लाएगा या उसका पूरा फ्यूचर जो है उस पर वो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। द टू मैन वॉक्ड इन साइलेंस अंटिल दे रीच द डोर ऑफ नंबर 12, देन जोई ड्रू अप शॉर्ट। फिर दोनों आदमी जो हैं वो पैदल पैदल चलते हुए जा रहे हैं सन्नाटे में, और जैसे ही वो डोर नंबर 12 पे पहुंचते हैं तो जो जो है उसके लिए रुकता है। आई विल नॉट कम इन ही सेड, एंड हिज वॉइस शोड साइंस ऑफ स्ट्रेन, बट मैन आई नो यू विल डू वेल फॉर अस। अब जो जो है वो अंदर जाने से कतरा रहा है, डर रहा है, तो वो बोल देता है मैं अंदर नहीं आऊंगा, लेकिन मुझे लग क्योंकि उसको टेंशन हो रही है। लेकिन फिर वो बोलता है इसको डॉक्टर को कि मुझे पूरा विश्वास है कि आप हमारे लिए अच्छा करेंगे। इनसाइड अ नैरो स्टेयर लेड अप टू अ स्मॉल बेडरूम, क्लीन बट पुअर फर्निश्ड, पुअरली फर्निश्ड एंड लिट ओनली बाय एन ऑयल लैम्प। यहाँ पर अब अंदर का वो बताया गया, एक नैरो स्टेयर लेड है, मतलब एक छोटे से कमरे की तरफ एक खड़ी सी सीढ़ी जा रही है और क्लीन है, लेकिन गलत तरीके से फर्नीचर जो है वो गलत तरीके से रखा हुआ है, और वहाँ पे एक छोटा सा ऑयल लैम्प चल रहा है। हियर मिसेस मॉर्गन मदर, अ टॉल ग्रे हेयर्ड वेमेन ऑफ नियरली 70 एंड द स्टाउट एल्डरली मिड वाइफ वेटेड बिसाइड द पेशेंट, वॉचिंग एंड्रयूज एक्सप्रेशन एज ही मूव अबाउट द रूम। अब यहाँ पर पूरा सिनेरियो दिया हुआ है कि एक तो वहां पे एक 70 साल की वुमेन खड़ी है जो काफी स्टाउट है, यानी कि काफी स्ट्रांग है, स्ट्रांग बिल्ड है उसकी, और फिर वहां पर एक थोड़ी सी मिडवाइफ है, एक एल्डरली मिडवाइफ है, यानी कि जो आया या दाइमा होती है उस तरह की लेडी खड़ी हुई है जो पेशेंटली वहां पर खड़ी हुई है, और एंड्रयू के एक्सप्रेशन जो है वो वॉचिंग एंड्रयूज एक्सप्रेशन एज ही मूव्ड अबाउट द रूम, जैसे ही वो कमरे से निकल रहा है उसके एक्सप्रेशन को देख रही है। लेट मी मेक यू अ कप ऑफ टी डॉक्टर बैक, सेड द फॉर्मर क्विकली आफ्टर अ फ्यू मिनट्स। अब उसके बाद में वो बोल रही कि मैं आपके लिए एक कप चाय बना देती डॉक्टर बैग, और ये जो काम कर रहा है उसके लिए बोल रहे हैं डॉक्टर के लिए। कुछ क्षण बाद बोल रही है वो, एंड्रयू स्माइल फेंटली। एंड्रयू जो है वो ज्यादा तरीके से वो नहीं कर पा रहा रिएक्ट, वो फोकस्ड है, क्योंकि ही सॉ दैट द ओल्ड वुमन वाइज एंड एक्सपीरियंस रियलाइज देयर मस्ट बी अ पीरियड ऑफ वेटिंग दैट शी वॉज अफ्रेड ही वुड लीव द केस सेइंग ही वुड रिटर्न लेटर। अब उसको देख करके, ओल्ड वुमेन को देख करके उसको लग रहा है कि ये वुमेन जो है काफी एक्सपीरियंस है और उनको पता है कि अभी इसमें टाइम लगेगा, तो कहीं इसको चिंता है कि मैं चला नहीं जाऊं, इसलिए ये इस तरह से बोल रही है। डोंट फ्रेट मदर, आई विल नॉट रन अवे। अभी उसको बोलता है टेंशन मत लो मदर, मैं यहाँ से नहीं भाग रहा हूँ। डाउन इन द किचन ही ड्रैंक द टी विच शी गेव हिम। अब किचन के अंदर नीचे जो किचन है वहां पे इसने टी पी जो उसको मिसेस की मदर ने दी थी। ओवरवर्ट एज ही वॉज ही न्यू ही कुड नॉट स्नैच इवन एन आवर स्लीप इफ ही वेंट होम। और ये सारी चीजें देखने के बाद भी उसको लग रहा है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा ओवरवर्ट यानी टायर्ड है, उसके बाद भी उस ये नहीं सोचता है कि वो घर जाए और जाकर के थोड़ा सा सो ले, क्योंकि वो नहीं कर सकता था ये। ही न्यू टू दैट द केस हियर वुड डिमांड ऑल हिज अटेंशन। उसको पता था कि ये जो केस है इसको सारा अटेंशन देना पड़ेगा अपना। अ क्वियर लेथार्जी ऑफ स्पिरिट केम अपॉन हिम, ही डिसाइडेड टू रिमेन अंटिल एवरीथिंग वॉज ओवर। अब उसके अंदर क्या होता है, एक लेथार्जी ऑफ स्पिरिट यानी कि काफी ज्यादा, एक तो वो थका हुआ बहुत है इसलिए उसके अंदर एक अजीब सी
एक अजीब सा एंथुजियाज्म जो है, जिसमें बहुत कम एंथुजियाज्म बोला जाए एक तरीके से, वो आता है और वो डिसाइड करता है कि वो वहीं रहेगा जब तक कि सारी चीजें कंप्लीट नहीं हो जाती। एन आवर लेटर ही वेंट अपस्टेयर्स अगेन, नोटेड द प्रोग्रेस मेड एंड केम डाउन वंस मोर सेट बाय द किचन फायर। एक घंटे बाद वो वापस ऊपर जाता है, चेक करता है कि क्या प्रोग्रेस रही है। उसके बाद वो वापस नीचे आ जाता है जहाँ पर वो लोग सारे किचन फायर के पास बैठे हैं। इट वॉज स्टिल एक्सेप्ट फॉर द रसल ऑफ अ सिंडर इन द ग्रेट एंड द स्लो टिक टॉक ऑफ द वॉल क्लॉक। और अभी भी जो है वहां पे सारी चीजें शांत हैं, ठीक है, और कुछ लकड़ी के पीसेस हैं वहां पे कोल के जले हुए, ठीक है, फायरप्लेस के आसपास, और जो घड़ी है उसकी टिक टॉक चल रही है, ठीक है, वॉल क्लॉक की। नो देयर वॉज अनदर साउंड, द बीट ऑफ मॉर्गन्स फुटस्टेप एज ही पेस्ड इन द स्ट्रीट आउटसाइड। वहां पर एक और आवाज आ रही है, जो मॉर्गन है उस वो बाहर गली में चक्कर लगा रहा है, उसके फुटस्टेप्स की आवाज आ रही है। द ओल्ड वेमेन अपोजिट हिम सेट इन हर ब्लैक ड्रेस क्वाइट मोशनलेस, हर आईज स्ट्रेंजली अलाइव एंड वाइज, प्रोबिंग एंड नेवर लीविंग हिज फेस। अब एक ओल्ड वेमेन जो थी, उसकी मदर, वो बैठी हुई है उसके अपोजिट ब्लैक ड्रेस के अंदर, वो काफी मोशनलेस है, काफी स्टिल बैठी हुई है, उनकी आंखें जो है अजीब तरीके से देख रही हैं, जो जिंदा है और देख रही हैं, ठीक है, और कोशिश उसके पे उसका जो फेस है डॉक्टर का, उसको पढ़ने की कोशिश कर रही है। His thoughts were heavy and muddled. उसके जो विचार हैं वो काफी ज्यादा हैवी और मडल्ड यानी मिक्सड अप हैं। The episode he had witnessed at Carden Station still obsessed him morbidly. और जो उसने एपिसोड जो उसके साथ हुआ, यानी कि जो उसके साथ सिचुएशन हुई थी जो कार्डन स्टेशन पे हुई थी, उससे वो काफी ज्यादा अपसेट है, एक तरीके से नेगेटिव हो रखा है, उसकी थिंकिंग पर उसका असर पड़ रहा है। ही थॉट ऑफ ब्रैमवेल, फुलिशली डिवोटेड टू अ वुमन हु डिसीव्ड हिम सॉर्डिडली, ऑफ एडवर्ड पेज, बाउंड टू द श्रुविश ब्लोडन ऑफ डेनी, लिविंग अनहैपीली अपार्ट फ्रॉम हिज वाइफ। अब यहाँ पर इसका पूरा किस्सा जो है वो सामने आ रहा है कि अनप्लीजेंटली उसको ब्रैमवेल के बारे में याद आ रहा है, जो मूर्खता पूर्वक एक औरत के प्रति काफी ज्यादा रिवोल्टेड था, जिसने उसको धोखा दिया बहुत ही गंदे तरीके से, ठीक है, और एडवर्ड पेज, और वो किसका है, एडवर्ड पेज, ऑफ एडवर्ड पेज, बाउंड टू द श्रुविश ब्लोवेटिन। अब ब्लडविन, श्रुविश ब्लडविन जो है, एक लड़ाई हुई उसकी ब्लडविन से, ठीक है, डैनी के, जो अनहैपीली रह रहा है और अपनी वाइफ से अलग है। यानी कि यहाँ पे कई सारे कैरेक्टर्स जो है वो आए हैं और उस मिक्सअप हो गया है पूरा, ठीक है। हिज रीजन टोल्ड हिम दैट ऑल दीज मैरिजेस वर डिसमल फेलियर्स, और उसने अपना कारण बताया कि वो अपनी वाइफ से अलग क्यों रह रहा है, क्योंकि मैरिजेस जो है वो सारी क्या रहती है, एक फेलियर पे ही जाती है। इट वॉज अ कंक्लूजन विच इन हिज प्रेजेंट स्टेट मेड हिम विंस। अब ये एक कंक्लूजन है जिसकी वजह से उसको काफी ज्यादा पेन फील हो रहा है, जो उसकी प्रेजेंट सिचुएशन है उसको देखते हुए। ही विश टू कंसिडर मैरिज एज एन आइडलिक स्टेट, येस ही कुड नॉट अदरवाइज कंसिडर इट विद द इमेज ऑफ क्रिस्टीन बिफोर हिम। वो मानता था कि मैरिज जो है क्या है, एक आइडलिक, एक परफेक्ट स्टेट होती है, और हाँ उसके बावजूद भी वो विश्वास नहीं कर पा रहा है कि क्रिस्टीन जो है उसने उसके सामने क्या किया है। हर आईज शाइनिंग टुवर्ड्स हिम एडमिटेड नो अदर कंक्लूजन, उसकी आंखें जो थी वो चमक रही थी और वो उसके अलावा कोई कंक्लूजन पे नहीं पहुंच पा रही थी। इट वॉज द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन हिज लेवल डाउटिंग माइंड एंड हिज ओवरफ्लोइंग हार्ट विच लेफ्ट हिम रिजेंटफुल एंड कंफ्यूज। अब ये एक लड़ाई थी उसके लेवल पर, जो एक उसका माइंड जिसमें डाउट चल रहे हैं और उसका जो हार्ट है वो उसको चाह रहा है अभी भी, वो उन सारी चीजों के बीच में वो पूरी तरीके से कंफ्यूज्ड है। ही लेट हिज चिन सिंक अपॉन हिज चेस्ट, स्ट्रेच्ड आउट हिज लेग, स्टेयर्ड ब्रूडिंगली इनटू द फायर। अब उसने अपना जो चिन है वो अपने चेस्ट पे रख लिया झुका करके, और अपने पैर फैलाए और थोड़ा सा फायर की तरफ वो देखने लगा चिंतित होकर के। He remained like this so long and his thoughts were so filled with Christine that he started when the old woman opposite suddenly addressed him. Her meditation had pursued a different course. और ये क्या है, इसके बाद में क्या हो रहा है, ये अपनी गर्लफ्रेंड के ख्यालों में डूबा हुआ है पूरी तरीके से, जो भी इसके साथ में डिसअपॉइंटिंग चीज हुई है उसको लेकर के। अब ये उसी पोजिशन में रह रहा है और इसके ख्यालों में क्रिस्टीन है, ये ओल्ड वेमेन की तरह, ओल्ड वेमेन जो है, स्टार्टेड व्हेन द ओल्ड वेमेन अपोजिट सडनली एड्रेस्ड हिम। वो बात करता है उससे, ठीक है, एकदम से झटकता है, जर्क्ड सडनली, एज एन कि जब ओल्ड वेमेन जो है वो बातचीत करने लगती है इससे और इसको डिफरेंट कोर्स पे ले जाती है, परस्यूड अ डिफरेंट कोर्स, एक डिफरेंट लाइन ऑफ थॉट में लेके जाती है। सो दैट्स इट फॉर टुडे, वी विल कंटिन्यू दिस चैप्टर इन आवर नेक्स्ट सेशन।